एवरीवन, ट्विंकल हेयर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपने चैनल पे लेके आती हूँ मेकअप वीडियोस, स्किन केयर वीडियोस, कुकिंग वीडियोस, रिव्यू वीडियोस एंड समटाइम्स व्लॉग्स। सो या, दिस इज अबाउट माय चैनल। अगर आपको इस टाइप के कंटेंट में इंटरेस्ट है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू द सब्सक्राइब बटन। सो या, आज का वीडियो है अबाउट आईब्रोज। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी 3 सीक्रेट एंड ईजी स्टेप्स जो मैं फॉलो करती हूँ अपनी आईब्रोज को फिल करने के लिए। सो या, नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 3 इजी स्टेप्स जो आप बहुत ही इजीली फॉलो कर सकते हैं, और उसके लिए आपको कोई भी यू नो प्रोफेशनल होने की जरूरत नहीं है। आपको उसके लिए बहुत ज्यादा कोई प्रोफेशनल कोर्स करने की जरूरत नहीं है। जस्ट वॉच दिस वीडियो टिल एंड यू विल बी प्रो इन फिलिंग योर ब्राउज। सो अभी मैंने अपनी ब्राउज फिल नहीं करी हुई है, अभी मैं आपके साथ अपनी ब्राउज फिल करूंगी। और आप देख सकते हो अभी मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ है अपनी आईब्राउज पे, राइट। 3 स्टेप्स में हम अपनी आईब्रोज को फिल करेंगे एंड यू आर डन। सो यार, नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट स्टेप होगा हमारा हमारी आईब्रोज को शेप करना। नाउ यू कैन सी कि थोड़ा बहुत डिफरेंस है दोनों आईब्रोज में, क्योंकि यू नो काफी टाइम से लॉकडाउन है और हम खुद से ही घर पे कुछ ना कुछ करके अपनी ब्राउज को सेट कर लेते हैं। आई होप आप लोग भी कर लेते होंगे। अगर आप कर लेते हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। मैं तो कर लेती हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ऐसे पसंद नहीं है बहुत ज्यादा जब यहाँ पे ग्रोथ हो जाती है। सो आई यूज फ्यू टूल्स एंड बस मैं अपनी आईब्रोज को ठीक कर लेती हूँ। बट स्टिल जो एक प्रोफेशनल इंसान कर सकता है, लाइक जब हम सैलॉन में जाते हैं तो वो बहुत ही प्रोफेशनली हमारी आईब्रोज को सेट करते हैं, वो हम घर पे नहीं कर सकते। तो इसलिए आप देख सकते हो थोड़ा बहुत डिफरेंस है दोनों आईब्रोज में, स्पेशली जो ये आगे वाली शेप है। सो अब हम इसे बस फिल करके ही ठीक कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग विच आई विल बी यूजिंग इज दिस स्टेक वर्की पेंसिल। दिस इज स्टेक वर्की ब्राउन एंड टू बी वाइल्ड आईब्रो पेंसिल इन शेड फियर्स ब्राउन टू। आई एम यूजिंग दिस सिंस लास्ट कपल ऑफ डेज एंड आई एम काइंड ऑफ लविंग इट, क्योंकि बहुत सही शेड है मेरी आईब्रोज के अकॉर्डिंग। हाँ, आपको आईब्रो पेंसिल का शेड कैसे चूज करना है, जो आपके नेचुरल हेयर का शेड है वो शेड होना चाहिए आपके आईब्रोज का भी। लाइक अगर आपके हेयर ब्राउन है, लाइक मेरे ब्राउन है, और अगर मैं ब्लैक यूज कर लूंगी तो वो बहुत ही ज्यादा आर्टिफिशियल लगने लगेगा। और अगर आपके सिर के बाल ब्लैक हैं और आप ब्राउन पेंसिल यूज कर रहे हो तो दैट वोंट वर्क। तो अगर आपके सिर के बाल ब्लैक हैं तो आप ब्लैक यूज करोगे, और अगर आपके सिर के बाल ब्राउन हैं तो फिर आप ब्राउन यूज करोगे। सो आई एम गोना यूज दिस ब्राउन शेड विच इज मोर लाइक ब्लैक, मतलब ये डार्केस्ट ब्राउन है। सो मेरा ओरिजिनल हेयर शेड यही है, वो तो मैंने थोड़ा बहुत कलर कराया हुआ है तो थोड़े से अलग लगने लग जाते हैं बाल, बट स्टिल अगर हम रूट से देखें तो मेरा यही वाला शेड है सेम। तो इससे हमें क्या करना है, दिस वुड बी आवर फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले हमें अपनी आईब्रोज को शेप में लाना है। सो आई एम गोना यूज माई मिरर एंड आई एम गोना शेप देम। ठीक है, शेप हम कैसे देंगे, आउटलाइन करेंगे अपनी ब्राउज की, जो शेप हमें चाहिए, जो हमारी डिजायर्ड शेप है हम उसमें अपनी आईब्रोज को आउटलाइन करेंगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम छोटे थे तो हम पेंटिंग्स बनाते थे, पेंटिंग्स में हम ब्लैक कलर से आउटलाइन जरूर करते थे मोस्ट ऑफ द ड्रॉइंग्स में। तो हमें बिल्कुल वैसे ही एक आउटलाइन ड्रॉ करनी है जिससे हम अंदर कलर फिल कर सकें। सो हेयर आई एम गोना ड्रॉ अ लाइन। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ज्यादा डार्क नहीं है जो आर्टिफिशियल लुक दे। उसको मैंने इतना अच्छे से रब किया एंड देन इट वर्क्स लाइक दिस। जो शेप मुझे चाहिए उस शेप को मैं ड्रॉ कर लूंगी। तो आउटलाइन में ड्रॉ कर चुकी हूँ, अभी से आप देखो दोनों आईब्रोज में कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया है। तो इसको मैंने आउटलाइन कर लिया है, अब मैं सेम इसी तरह इसको भी आउटलाइन कर लूंगी। बहुत शार्प लाइन नहीं ड्रॉ करनी है, आप देख सकते हो मेरी पेंसिल बहुत ज्यादा शार्प नहीं है, तो हमें बहुत शार्प नहीं ड्रॉ करनी वरना वो मिक्स नहीं हो पाती, वो रह जाती है एंड फिर वो आर्टिफिशियल ही लगने लगता है। तो इसलिए हम थोड़ा सा ऐसा वाला पॉइंट यूज करते हैं हमेशा आईब्रोज की फिलिंग करने के लिए या फिर आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए। नाउ यू कैन सी कि मेरी आईब्रोज की शेप ऐसे है, लाइक दिस इज एन एंगुलर शेप। अगर आपकी आईब्रोज राउंडेड हैं तो जस्ट मेक श्योर कि आप राउंड लाइन ड्रॉ करो एंड राउंड बाउंड्री ड्रॉ करो एंड नॉट एंगुलर वन। ठीक है, सो ये ड्रॉ हो गई है। नाउ वी आर डन विद द फर्स्ट स्टेप। इस टाइम ही आप देख सकते हो कितना ज्यादा डिफरेंस लग रहा है, जैसे मेरी आईब्रोज पहले लग रही थी और जैसे अभी लग रही हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस लग रहा है अभी से।
सेकेंड स्टेप हमारा होगा फिलिंग. सो आई हैव टू पैलेट्स, आई शेडो पैलेट से ही मैं आईब्रोज फिल कर लेती हूँ. आई डोंट हैव एनी स्पेशल स्पेसिफिक आईब्रो किट. आपके पास है तो आप उसमें से यूज कर सकते हो, बट इफ यू आर गेटिंग दो शेड्स इन आर आईब्रो पैलेट्स तो मुझे नहीं लगता वो हमें खरीदने की जरूरत है अलग से. सो आई एम गोना यूज दिस शेड, यही सेम शेड, इसे थोड़ा सा लाइटर शेड इस वाली पैलेट में भी है. दिस इज वेट एंड वाइल्ड एंड दिस वन इज वेट एंड वाइल्ड रोज इन द एयर आई थिंक. या दिस इज वेट एंड वाइल्ड रोज इन द एयर पैलेट एंड दिस वन इज द 24K न्यूड्स बाय मेबली न्यूयॉर्क. एंड इसमें मैं आज यूज करूंगी ये वाला शेड क्योंकि बिल्कुल परफेक्टली मैच होता है मेरी आईब्राउज से. और इसका जो शेड है वो हल्का सा लाइट है, वैसे मैं ये भी यूज कर लेती हूँ, बट टुडे आई एम गोना यूज दिस. सो या अब सेकेंड थिंग जो हमें चाहिए दैट इज दिस ब्रश. इतना पतला ब्रश चाहिए हमें. दिस वन इज फ्रॉम पूना स्टोर का जो आई शेडो ब्रश वाला किट आता है उसमें से आया है ये. तो आई एम गोना यूज दिस ब्रश and I'm gonna take this shade tap off the excess. Always tap off the excess. Now I'm gonna start filling my brows. कि जहां जहां आपको gaps दिख रहे हैं ना वहां पे आपको eyebrows fill करनी है, बस gaps fill करने हैं basically. जैसे यहाँ पे gap है तो मैं यहाँ पे fill कर लूंगी, थोड़ा सा और ले लूंगी. And now fill. तो ये गैप्स में सारे बस फिल कर रही हूँ. सो दिस इज डन, ऑलमोस्ट डन, सारे गैप्स फिल हो चुके हैं. तो अब गैप्स फिल हो चुके हैं, आप देख सकते हो मेरी आईब्रोज बिल्कुल परफेक्ट लग रही हैं मुझे इस टाइम. ठीक है, थोड़ा बहुत जो ऊपर नीचे वाला डिफरेंस है वो तो रहेगा, उसे तो हम ठीक नहीं कर सकते, वो जब सैलॉन से कराई जाएंगी प्रॉपरली आईब्रोज तभी ठीक होंगी. तो नाउ अब गैप्स फिल हो चुके हैं, अब हमारा फाइनल और थर्ड स्टेप होगा ये स्पूली ब्रश यूज करना. सो आई एम गोना यूज दिस लॉरेल पेरिस ब्राउ आर्टिस्ट एक्सपर्ट आईब्राउ पेंसिल. एंड इसका जो ये वाला शेड है आई डोंट लाइक इट दैट मच, तो इसलिए मैंने इसको यूज नहीं किया. ये मेरी आईब्रोज से मैच नहीं करता, मेरे ऊपर अच्छा भी नहीं लगता है. सो आई एम जस्ट गोना यूज दिस स्पूली ब्रश फ्रॉम दिस पेंसिल एंड आई एम गोना मिक्स द प्रोडक्ट विद माई नेचुरल हेयर. ठीक है, बहुत ही लाइट हैंड से हमें विद इन द बाउंड्रीज इसको मिक्स करना है अपने, इसको एज इन प्रोडक्ट को मिक्स करना है अपने नेचुरल हेयर से. ठीक है, ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे बिल्कुल भी आर्टिफिशियल नहीं लगेगा कि आपने कुछ फिल करा हुआ है या फिर आपने आर्टिफिशियली अपनी ब्राउज को सेट किया हुआ है. सो दैट्स ऑल, दीज वर माई 3 सिंपल एंड ईजी स्टेप्स. आई होप आपको ये स्टेप्स बहुत ही ईजी लगे हों और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा. एंड डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन. अगर आपका कोई इंटरव्यू है, अगर आपकी कोई मीटिंग है, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो मेक श्योर यू फॉलो दीज 3 स्टेप्स एंड फिल योर ब्राउज. इससे आप बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल लगोगे हमेशा एंड यू विल जस्ट रॉक मीटिंग, यू विल जस्ट रॉक एवरीवेयर. अगर आप थोड़े भी प्रेजेंटेबल लगते हो तो आपके अंदर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाता है और आपके सारे काम खुद से ही अच्छे होने लगते हैं. तो मेक श्योर यू फॉलो दीज 3 स्टेप्स एंड फिल योर ब्राउज व्हेनेवर यू आर स्टेपिंग आउट एंड यू आर गोइंग फॉर ए मीटिंग और एनीवेयर. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो डोंट फॉरगेट टू स्मैश द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल द गर्ल्स यू नो हु आर जस्ट अबाउट टू अपियर फॉर देयर इंटरव्यूज और हु हैव जस्ट जॉइन देयर ऑफिस so that they can look presentable on their Zoom meetings. So yeah, that's all for this video. Make sure you subscribe to my channel and hit the bell icon right next to the subscribe button. जिससे जब भी मेरा next video आएगा तो आप बिल्कुल भी miss नहीं करेंगे और आप मेरे ऐसे amazing tips and tricks follow करके presentable लग पाएंगे. So yeah, that's all for this video. See you soon in the next video. Till then, take care and bye bye.